जिस तैयारी की, जिस सरगर्मी की आप बात कर रहे हैं, कहते हैं कि आधी परेशानियां तो उस वक्त दूर हो जाती हैं जब आप उसको खत्म करने की ठान लेते हैं, ये इच्छा शक्ति आपके अंदर आ जाती है कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। अब वैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव चल रहा है और योग से हम लगातार बीमारियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका कौन सा होगा। तो एक एक करके आज उन बीमारियों के लिए योगिक सेशन कर लेते हैं जिसकी गिरफ्त में महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, और शुरुआत करते हैं मोटापे के साथ साथ गठिया की। मोटापा तो है ही, लेकिन गठिया जो है वो भी महिलाओं को बहुत परेशान कर रहा है। दिक्कत नहीं है, और तब तक हम रामलला का जो साक्षात विग्रह है, अब रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित कर दी गई, उसकी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का एक विधि विधान है, वो भी साथ साथ में चल रहा है, और पूरे अयोध्या में जैसे आप बता रहे थे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, तो उसके साथ पूरी एकात्म है। एक बहुत ज़बरदस्त उत्सव का वातावरण है, चारों तरफ राम की, राम दरबार की पेंटिंग्स हो रही है, भजन कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है, गायन चल रहा है। इन सब के बीच में हम योग धर्म से अपने सनातन धर्म एक अनुभव आपके साथ साझा कर को अपने जीवन में बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी कि जैसे घर में शादी ब्याह का मौका होता है तो कैसा एक माहौल होता है, घर में एक चहल पहल मची रहती है, कहीं पर टेंट लग रहे होते हैं, कहीं बल्लियाँ ठोके जा रही होती है, कहीं पर रंग रोगन हो रहा होता है, कहीं पर चाचा मामा ताऊ नाना नानी के यहाँ से सामान आ रहा होता है, और हर कोई इस आयोजन को विशेष करने में लगा रहता है। आज अयोध्या नगरी स्वामी जी ऐसी दिखाई देती है जैसे पूरी अयोध्या नगरी की हर सड़क, हर गली और हर घर में एक आयोजन हो रहा हो, पूरा शहर काम में लगा हुआ है, और राम जी के ननिहाल से, राम जी के ससुराल से अलग अलग विशेष जो सामान आ रहा है, वाकई में ये माहौल बड़ा दिव्य है। सब राम काज करबे को आतुर हो रहे हैं, और एक राम काज ये भी है, राम मंदिर के निर्माण के साथ हमारा चरित्र निर्माण हो, राष्ट्र निर्माण हो, और राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हमारी जीवन में योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की प्रतिष्ठा हो, सनातन मूल्यों की, मर्यादाओं की प्रतिष्ठा हो। देखो दो तीन तर्क आपके जो है कार्यक्रम में भी देख रहा था मीनाक्षी जी, कुछ अविवेक की मूर्ख लोग तर्क दे रहे थे, हम तो अपने घर में रोज मंदिर में पूजा करते हैं, घर घर का मंदिर अलग है, एक तरफ पूरे देश दुनिया के लाखों करोड़ों मंदिर, और अयोध्या का राम मंदिर, उसका ऐतिहासिक, उसका सामाजिक, उसका आध्यात्मिक, उसका पारमार्थिक महत्व कुछ अलग ही है। दूसरी बात, कुछ लोग और बकवास कर रहे हैं कि काल काल समय मुहूर्त ये राम के अनुग्रह से होता है, और जो है महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं राजा कालस्य कारणम, राज काज के लिए, राम काज के लिए कोई काल समय मुहूर्त सब घड़ी शुभ है। फिर गर्भगृह तो पूर्ण हो ही चुका है, एक बात आ रही थी शंकराचार्यों की, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, और जो हमारी मध्वाचार्य की, रामानंदाचार्य की, रामानुजाचार्य की, यहाँ तक कि हमारी योगी आदित्यनाथ हैं, नाथ परंपरा की, साउथ की लिंगायत परंपरा की, अलग अलग परंपराओं के अलग अलग आध्यात्मिक गुरु हैं, अलग अलग साधु संत हैं, और लाखों साधु संतों के बीच में कोई एक दो व्यक्ति कुछ अनर्गल प्रलाप करते हैं तो उसका भी कुछ लोग जो है इशू बना रहे हैं। अरे भाई जो है लाखों वर्षों की प्रतीक्षा, हजारों वर्षों का संघर्ष, तप त्याग और बलिदान, और एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा से और बहुत पवित्र संकल्प से, ये राम के अनुग्रह से ये जो कार्य हो रहा है, मुझे लगता है
अब इसमें किसी भी तरह की ओछी बातें करना ये तो बहुत ही गड़बड़ होगा। बस इतनी बात कह करके वापस आ रहा हूँ योग पर। स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सब जो ऊंच नीच बातें कर रहे हैं, साधु संत का योग, समर्पण का योग, अध्यात्म का योग, धर्म का योग, सनातन का योग जिस धरती पर हो रहा है, अब यहाँ पर अब किसी विवाद की जरूरत रह नहीं गई है। ज्योतिष अपनी बात पूरी कर, बिल्कुल मीनाक्षी, और जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह का माहौल वहां पर हो रहा है, वो तस्वीरों के जरिए हम यहाँ स्टूडियो से बैठ के भी देख रहे हैं और हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं।